सो हेलो डियर स्टूडेंट, सो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इससे पीछे का बहुत सारा वीडियो हमारा पड़ा हुआ है, मैंने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। हमारा कोशिश होगा कम से कम टाइम में इस टॉपिक को पूरा कवर अप करें। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने ड्रॉ करना है और उसमें थोड़ा सा टॉर्क का देख लेंगे, टॉर्क कैसे एक्ट करता है और उस टॉर्क के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो इसके अंदर अगर एक डाइपोल बनाए तो इस तरह से एक मैग्नेटिक डाइपोल आएगा। ओके, इस तरह से एक बार मैग्नेट आएगा। ओके, एक बार मैग्नेट है जो ऑब्वियस सी बात है एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करेगा। तो इस पे जो टॉर्क एक्ट करेगा, जैसा कि पिछले चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 में आपने टॉर्क पढ़ा होगा, तो इसमें अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क कितना एक्ट करेगा, टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड बी है ना, तो नॉर्थ पोल पे इधर फोर्स लगेगा, साउथ पोल पे इधर फोर्स लगेगा, जिस कारण ये रोटेट करेगा। ओके, तो टॉर्क डेवलप होगा। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक डाइपोल, इस मैग्नेटिक डाइपोल में अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा एमबी साइन थीटा। ओके, एमबी साइन थीटा। ड्यू टू दिस टॉर्क एन एंटी टॉर्क विल डेवलप। एंटी टॉर्क का मतलब क्या होता है, अगर आपने टॉवल को, तौलिया को ऐसे लेके आपने ऐसे फोल्ड करा, जैसे ही आप छोड़ोगे तो वो उल्टी डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। तो आपने जो ऐसे घुमाया, फोर्स लगाया तो रोटेट किया, दैट इज टॉर्क, और आपने जैसे ही फोर्स हटाया तो वो वापस घूमने लगा, दैट इज एंटी टॉर्क। तो एंटी टॉर्क जो डेवलप होगा, अगर मैं यहाँ पे एंटी टॉर्क की बात करूँ, एंटी टॉर्क डेवलप्ड, तो वो क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा, क्योंकि एंटी टॉर्क में क्या होगा, बस उल्टी डायरेक्शन में टॉर्क लगने जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, टॉर्क का एक और फॉर्मूला जानते हैं, वी नो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ये क्लास 11th के रोटेशन में पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा, नहीं याद है तो आप ध्यान रखिए, टॉर्क का एक फॉर्मूला आई इंटू अल्फा होता है, जहां अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सिलरेशन। तो अल्फा एंगुलर एक्सिलरेशन की फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। अगेन दिस इज फ्रॉम क्लास 11th मैकेनिक्स। तो अभी फिलहाल आप चाहे अगर ध्यान नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो अब अपन टॉर्क की फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, आई और अल्फा के जगह डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। अब जरा देखिए यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, अब ये भी देखिए, ये भी आपके पास टॉर्क है और ये भी टॉर्क है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो दोनों टॉर्क है। अब हम अपन क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, है ना, दोनों को अगर अपन इक्वेट कर दें तो नेक्स्ट पेज पे अपन इक्वेट कर लेते हैं, माइनस यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, आई अल्फा इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। अब थीटा क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ देखिए ये साइन थीटा है ना, तो यहाँ एक अप्रोक्सीमेशन मान लेता है, इफ़ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा काफ़ी छोटा है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली रिटेन एज थीटा। ओके, तो थीटा एंगल काफ़ी छोटा है इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज एम बी थीटा। अब अल्फा की जगह हमने अभी अभी आपको बताया कि अल्फा एक क्या है, टी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, तो आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। अब यहाँ से अपन डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एम बी थीटा बाई आई। ओके, एम बी थीटा बाई आई। अब फिर से थोड़ा सा क्लास 11th का एक टॉपिक आएगा, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एस एच एम, है ना, जहाँ जहाँ 11th का है ध्यान है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एस एच एम को अगर हम लोग याद करें क्लास 11th के, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एस एच एम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओके, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है। यहाँ पे थीटा की जगह हम लोग ये वाई पुट कर देते हैं ना, चूंकि थीटा नहीं है, वाई से वाई है यहाँ पे, तो यहाँ भी हमने वाई पुट करना है। अब इसको देखिए, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, ओके, लेट्स से दिस इज थर्ड इक्वेशन नंबर और ये इक्वेशन नंबर 4, दोनों को अगर कंपेयर करके, कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड 4, कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड 4th,
तीसरे और चौथे इक्वेशन को हम लोग अगर कंपैरिजन करें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए डी स्क्वायर वाई और डी स्क्वायर थीटा बाई टी, तो यहाँ वाई और थीटा दोनों सिमिलर है, दोनों में कंपैरिजन करें तो अगेन यहाँ भी वाई और थीटा सिमिलर है, तो ओमेगा स्क्वायर के लिए कौन सा डाटा बचा, एम बी वाई आई, माइनस माइनस तो कट जाएगा एक दूसरे से, तो क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम बी बाई आई। तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम बी बाई आई, यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो ओमेगा इक्वल टू रूट एम बी बाई आई, यहाँ एम क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, ओमेगा की वैल्यू कितना होता है 2 पाई एफ, ओके यहाँ से 2 पाई एफ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 पाई एफ इज इक्वल टू रूट एम बी बाई आई, एफ की जगह क्या लिख दे 1 बाई टी, तो 2 पाई बाई टी क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 बाई टी टाइम पीरियड, ओके तो 2 पाई बाई टी इक्वल टू रूट एम बी बाई आई, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे तो जरा देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर आप कर देंगे तो आपके पास जो डाटा निकल के आएगा वो जरा देखिए, यहाँ पे हम लोग अब यहाँ के बाद यहाँ पे स्टेप हमारा जा रहा है, ठीक है यहाँ ध्यान रखिएगा, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू एम बी बाई आई, यहाँ से बस b की वैल्यू निकाल लेना हमें, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर i अपॉन m इंटू टी स्क्वायर, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक बार मैग्नेट को आप रखेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऐसा आएगा यहाँ पे फील्ड में, ओके सो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा समझ आया हो, तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, टॉर्क एक्ट करेगा उस टॉर्क की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड वगैरह डेवलप होगा, जिसका पूरा का पूरा इक्वेशन आपको इस डाटा में आपको दिखेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।